जारी है, बेहद जबरदस्त, बेहद इंटेंस एस्केप द केज एलिमिनेशन मैच आमने सामने है। एफटीआर और डैनियल गार्सिया एक तरफ और दूसरी तरफ हाउस ऑफ ब्लैक की टीम। और ये देखिए रिंग में लेन देन जारी है बुरी तरह। रूल्स बड़े सिंपल हैं, मैच को जीतने के लिए एक टीम के तीनों मेंबर्स को केज से बाहर निकलना होगा। डैनियल गार्सिया मेडिकली फिट न होने के बावजूद उतर गए हैं रिंग में। जैक्स देखिए मलाकाई को टैकल कर रहे हैं अपने अंदाज में, वाह शानदार मूव जैक्स का। और उधर कैश व्हीलर भिड़े हुए हैं रोडी किंग से, डॉज किया कैश ने दूसरी बार। और ये शानदार एक्शन, वाह क्या बात है, जबरदस्त। और ये देखिए डैनियल गार्सिया अगली कोशिश में जुटे हैं, जवाबी हमला हुआ उनका बड़ी द्वारा दो बार, ब्रूटल मूव उनके पैर पर डॉज किया। और ये देखिए डैनियल की अगली कोशिश को नाकाम करके पलटवार बड़ी मैथ्यूज का। यहाँ पे देखिए डैक्स हार्वुड ये देखिए स्टील केज के टॉप पे जा रहे हैं। ओ डैनियल गार्सिया के इंजर्ड फोरहेड को बुरी तरह स्टील केज में मार दिया गया, डैक्स हार्वुड को भी डिसलॉज किया गया। और ये देखिए एक और हमला रोडी किंग ने किया डैनियल को, माय गॉड ब्रूटैलिटी अपने चरम पर। हाउस ऑफ ब्लैक के तीनों मेंबर्स ने एक से बढ़कर एक ब्रूटल अटैक्स किए हैं। और देखिए सामने एफटीआर के दोनों सदस्य और डैनियल गार्सिया धराशायी हैं। अब ये देखिए हाउस ऑफ ब्लैक के मेंबर्स स्टील केज के टॉप पे जाना चाहते हैं। ओह माय गॉड, और ये उन तीनों को डिसलॉज करने के लिए कवायद शुरू हो गई है। जी जी, बाहर तो निकलना होगा एक टीम के तीनों मेंबर्स को, लेकिन वो कौन सी टीम होगी और कब निकल पाएगी ये है बड़ा सवाल, क्योंकि ब्रुटैलिटी और वायलेंस अपने चरम पर पहुंच चुकी है। और अब देखिए किस तरह से स्टील केज में ये मलाकाई ब्लैक को दे मारा है डैक्स हार्वुड ने। और ये रोडी किंग का भी हाल खराब है, और ये बड़ी मैथ्यूज को भी स्टील केज में दे मारा है, उनके माथे को फिर से उन्हें दे मारा। कैश व्हीलर पूरे जोश में, ये देखिए अगली मूव की तैयारी, कैश व्हीलर ने मारा। और ये देखिए डैनियल गार्सिया ने मारा ब्रोडी किंग को, और ब्रोडी किंग को फिर से शिकार बनाया गया और स्टील केज में कॉर्नर पे ले जाके उन्हें जबरदस्त इंपैक्ट महसूस कराया गया। जैक्स और डैनियल की कोशिश रंग लाई, और अब देखिए एफटीआर और डैनियल तैयार हैं, टीम एफर्ट नजर आ रहा है, अगले कोऑर्डिनेशन के लिए तीनों तैयार हैं। और बाहर जाने का रास्ता खोल दिया गया था, लेकिन डैनियल गार्सिया ने कहा कि अपने विरोधियों को थराशाई करने के बाद पुख्ता जीत हासिल करेंगे। ओह माय गॉड, ये देखिए गार्सिया तैयार है, शार्प शूटर दे दिया है गार्सिया ने। आपको बता दें इस मैच में कोई रोप ब्रेक्स नहीं है और ना ही इसे सबमिशन से जीता जा सकता। ओह और ये देखिए शटर मशीन एफटीआर ने, वाओ वाओ वाओ। अब समझा मैं कि क्यों ये लोग बाहर नहीं गए थे। जी देखिए कारगर हमले, और पर ब्रोडी किंग आगे बढ़े, उन्हें डॉच किया और वो अपने मोमेंटम के साथ स्टील केज में जाके एक तरह से लॉक हो गए रोप्स और स्टील केज के बीच में, और उनकी पोजीशन का पूरा फायदा उठा रहे हैं एफटीआर के दोनों सदस्य। देखिए किस तरह से उन्हें स्टील केज में बार बार दे मारा है उन्होंने, और ब्रोडी किंग अब मुश्किल से निकलने में कामयाब हुए हैं। जी नहीं, वहीं एप्रेन की एज पे लेट गए हैं। और ये ओ बड़ी मैथ्यूज के मूव को नाकाम किया और काउंटर मूव दिया उन्हें, और मलाकाई ब्लैक को धराशायी किया। मलाकाई ब्लैक ने काउंटर अटैक किया, लेकिन ये गार्सिया का शानदार मूव हो सकता है। मलाकाई ब्लैक ने उन्हें डॉच किया और पलटवार किया, और ये डैक्स हार्वुड आए, और डैक्स हार्वुड ने ब्रेन बस्टर दे दिया मलाकाई ब्लैक को। वाह मंजर देखिए रिंग का, ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है, ताबड़तोड़ हमले एक दूसरे के ऊपर हो रहे हैं। बहुत ही यादगार मैच है ये, कई बरसों तक याद रखा जाएगा ये एक्शन। लोग कहेंगे क्या आप गए थे उस दिन बॉसियर सिटी लुइजियाना के अरीना में, और क्या आपने वाकई देखा था अपनी आंखों से एस्केप द केज एलिमिनेशन मैच। और ये ब्रोडी किंग ने देखिए ऊपर चढ़ते हुए डैक्स हार्वुड को काउंटर करने के लिए टॉप रोप पे जाके उन्हें चॉप मारी और पलट चॉप पड़ी है। ये चॉप और पलट चॉप का सिलसिला शुरू हो गया है, और डैक्स हार्वुड के ऊपर उन्होंने एक और चॉप मारी और डैक्स हार्वुड नीचे आ गए।
रोडी किंग ऊपर जा रहे हैं और डैक्स हार्वुड देखिए उन पे वार कर रहे हैं। ब्रोडी किंग को लेके डैक्स हार्वुड नीचे आए, हवा के रास्ते दोनों नीचे आए। क्या इंपैक्ट हो रहा होगा इन पर बार बार, कभी स्टील केज कभी इतनी हाइट। ये देखिए फुल फॉल था, ये कुछ 10-11 फीट की ऊंचाई से दरवाजा एक बार खुल गया है फिर से और ये डैक्स हार्वुड बाहर निकल रहे हैं। लेकिन एक से कुछ नहीं होगा, एक टीम के तीनों मेंबर्स को बाहर निकलना होगा मैच जीतने के लिए। और ये देखिए स्टील केज में आके ब्रोडी किंग टकराए, उसी दरवाजे से जा टकराए और डैक्स पर इंपैक्ट हुआ होगा। बहरहाल ब्रोडी और डैक्स दोनों आ गए हैं अब बाहर। तो अब रिंग के अंदर रह गए हैं डैनियल गार्सिया। जी, केज के अंदर रह गए हैं डैनियल गार्सिया और कैश व्हीलर इस तरफ से और मैलाकाई ब्लैक और बड़ी दूसरी तरफ से।